तो जो सबसे मज़े की बात लगी कि हम लोग एक दफ़ा यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें इस यहाँ पे बिलबोर्ड एक नज़र आया, हमने कहा यार ये इधर लगा दिया, शायद ओपनिंग करने वाले हैं ना, तो हमें अंदर आए, हमें आपकी आर्किटेक्ट मिली। और जो सबसे मज़ेदार बात लगी कि यहाँ पे कोई सेल्स वर्कर जो है ना वो आपको नहीं टाइल दे रहा, ये यहाँ पे आर्किटेक्ट बिठाया हुआ जिसने आपको आते साथ ही ना जो आपने विजुलाइज़ किया हुआ था उसको उन्होंने फ़ौरन से ना पिक कर लिया और उन्होंने कहा कि हाँ ये मैं, मेरे पास ये चीज़ है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये चीज़ मिल जाएगी। और मैं इससे पहले बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ से मैं टाइल ले रही थी, लेकिन जब मैं स्टाइल पे आई तो फिर मैं इसके बाद कहीं और नहीं गई, फिर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पे स्टाइल ही चल रहा था। फिर मैंने उसके बाद सारी जो जितनी भी टाइल्स थी वो सारी यहीं से की, और अभी अगर आप मेरे प्रोजेक्ट पर जाके देखेंगे ना तो आपको वो अपना शोरूम लगेगा, क्योंकि मैंने सारी जितने अच्छे अच्छे थे वो, अभी मुझे जगह कम पड़ गई थी लेकिन टाइल्स हैं कि वो ख़त्म नहीं होने दे रही थी। दूसरी चीज़ आप लोगों की जो बड़ी मज़े की लगती है कि आप कहीं पे ऑर्डर करते हैं किसी भी स्टोर, और स्टोर पे आप टाइल्स को ऑर्डर करते हैं ना, आपको पता ही नहीं होता कितने दिनों में आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका इतना मज़ेदार सिस्टम है ना, वो आपके सिस्टम में आ जाता है कि अच्छा टाइल अभी पहुँची कहाँ पर है ना, लाइक TCS यू नो कि वो आपको ट्रैक कर लेते हैं आप ना, आपका ट्रैकिंग सिस्टम इज़ वेरी गुड, आप उसके मुताबिक अपनी लेबर को एंगेज कर सकते हैं, आप अपना टाइम अपना उस हिसाब से, अपनी चीज़ें उस हिसाब से जो है ना अलाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं ज़रूर, बल्कि अभी इतने अच्छे अच्छे आपने नए आर्टिकल्स निकाले हैं तो मैं तो अभी से ही जो है ना नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर रही हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब तक आप किसी स्टोर में जाते नहीं हैं, कोई चीज़ देखते नहीं हैं, तब तक आपको जो है ना चीज़ पसंद नहीं होती, तब तक आप कोई चीज़ बाय नहीं कर सकते। यहाँ पे मज़े की बात यह थी कि मैं जुनैरा को मैं कॉल करके अपना विज़न बताती थी कि यार मैं ये चीज़ डिज़ाइन कर रही हूँ, मैंने उसको इतने मज़ेदार तरीके से मैंने उसे बताया कि मुझे यूँ वाटर फ्लो चाहिए, यूँ चाहिए, ब्लू कलर चाहिए, वाइट कलर चाहिए, ग्रे कलर उसमें चाहिए। उसने कहा आप बस पहली फुर्सत में आप आ जाएँ टाइल, और जब मैं जैसे ही मैं आई और उन्होंने मुझे जो है ना वो टाइल एकदम से सामने करके दिखा दी, उसी तरह की मुझे एक ब्लैक में भी चाहिए थी, मैंने उन्हें कहा कि ये भी मुझे दे दें, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिली, बट इतना ज़्यादा फ्लो से उन्होंने फ़ोन पर इतना अच्छा समझ लिया। तो ये डिफ्रेंस होता है कि अगर आप आर्किटेक्ट अपने स्टोर पर रखते हैं तो वो कितनी जल्दी आपकी चीज़ें जो है ना वो पिक कर लेता है, आपका टाइम बच जाता है, मतलब आपके पास इतना टाइम शॉपिंग में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे स्पेशली टाइल्स ढूंढने में, सिलेक्ट करने में। तो यहाँ पे ये था पेशावर एम्पोरियम में कि पहले से वो मेरे टाइल के साथ जितनी भी सिलेक्शन होती थी ना या कॉम्बिनेशंस होते थे वो बना के यहाँ पे मुझे दिखा रही होती थी कि ये देखें इसके साथ ये चली जाएगी, इसके साथ ये चली जाएगी, तो वो इतनी हेल्पफुल हो जाता था कि जो चीज़ हमने 3D में बनाई होती थी उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ बन जाती थी। कुछ 3D सो ऐसी थी कि हमने यहाँ पे आके आपकी टाइल्स देख के 3D चेंज की है, उसके लिए हमें दोबारा से अप्रूवल्स लेनी पड़ी, बट लेकिन वो अप्रूवल फ़ौरन मिल गई क्योंकि एक्चुअल चीज़ जो है वो 3D से ज़्यादा बेहतर थी। बेसिकली देखिए मैंने बहुत सारे उसमें स्टोर्स में जाती हूँ, बहुत सारे कर रही होती हूँ, लेकिन यहाँ पर ना स्पेशली इस पेशावर वाले आपके स्टोर में इतने अच्छे तरीके से डिस्प्ले हुआ होता है कि फ़ौरन लगता है कि यार इसको कॉपी कर लिया जाए, खुद डिज़ाइन करने का दिल नहीं होता, दिल चाह रहा होता कि यहीं से सारा कुछ कॉपी कर लिया जाए। तो आप लोगों का जो स्टोर्स को डिज़ाइन करने का तरीका है ना, दैट इज़ वेरी फैबुलस ना, मज़ा आता है देख के कि आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो आपको यहाँ से मिल जाती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ से ना। डेफिनेटली एंड आई डिड ऑल्सो, मेरा एक प्रोजेक्ट था यहाँ पे इस नॉर्दर्न एरियाज़ में, मैंने उनको रिकमेंड किया, उनका एक ट्रॉमा सेंटर और उनका वो था, तो मैंने उन्हें कहा कि बस आपको कोई चीज़ कहीं से भी नहीं मिलेगी, आप जस्ट गो टू जुनैरा यू विल फाइंड ईच एंड एवरी थिंग, एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे बॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स।